एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन फ्रॉम फूड। मैं प्रगति पंडित आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की मेरी रेसिपी है बर्न गार्लिक राइस। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं जो जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। सबसे पहले हम 3 चम्मच तेल लेंगे, 1 स्पून हम बटर भी डालेंगे इसमें। और चाहे तो सिर्फ तेल में भी बना सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम चॉप्ड गार्लिक काट डालेंगे, एकदम बारीक कटे हुए गार्लिक, 4 चम्मच है ये। इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे हम। और इसमें हम 1 चम्मच बारीक कटे हुए अदरक डालेंगे। इसमें दो मैंने हरी मिर्च बारीक कटी हुई ली है, स्पाइसी के लिए। अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं हरा मिर्च। अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप और भी डाल सकते हैं इसमें। हमारा थोड़ा गार्लिक एकदम पक चुका है, अदरक। इसके बाद हम बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। मैंने 2 बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं, वो डालूंगी मैं। तो इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके लिए हम ये प्याज को पकाएंगे, फिर उसके बाद हम सारी सब्जियां इसमें डाल के बना लेंगे। ये राइस जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। प्याज एकदम पक चुका है, 2-3 मिनट हो चुके हैं। और इसे हम सारी सब्जियां डाल देंगे। बारीक कटे हुए पत्ता गोभी हैं, आधा कटोरी। एक कटी हुई बारीक कटी हुई गाजर है ये। और इसमें हम अब कटी हुई एक शिमला मिर्च है, कटा हुआ, बारीक कटा हुआ, डाल लेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप वो सब्जियाँ डाल देते हैं, कौन सी डालते हैं, शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च, येलो शिमला मिर्च, जो डालना है आप वो डाल सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। थोड़ी देर चाइनीज में ज़्यादा सब्जियों को हमको पकाना नहीं पड़ता, बस थोड़ी देर के लिए हम इसको सॉटे करेंगे। बस हरे प्याज का ऊपर वाला भाग डालेंगे, सफेद प्याज। इसे मिक्स करके मिक्स कर लेंगे। ये हमारी सब्जियाँ देखिए एकदम ज़्यादा पकी हुई नहीं है, ये अच्छे से सॉटे हो चुकी हैं। अब इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट डालेंगे, 2 चम्मच। इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छी तरह से। देखिए इसे कितना अच्छा कलर आ गया है हमारी सब्जी में। ये थोड़ा स्पाइसी रहता है बर्न गार्लिक राइस। ये हमारी सब्जियाँ और सब चीज़ एकदम पक के तैयार हो चुका है। देखिए एकदम सब्जी में अच्छा कलर आ चुका है। इसमें हरा प्याज डालेंगे हम बारीक कटे हुए। इसे भी इस तरह से मिक्स कर लेंगे। हम 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे और 1 चम्मच हम विनेगर भी डालेंगे। ऐसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। सॉस को भी थोड़ी देर पका लेंगे। ये मैंने राइस पहले ही बना के रख लिए थे। अगर आप हमेशा पहले बचे हुए चावलों का, अगर फ्राइड राइस या बिरयानी या मसाला भात या मसाला राइस, अगर आप बचे हुए चावलों का बनाते हैं तो उससे बहुत अच्छा राइस बनता है। इसलिए देखिए चावल की कंसिस्टेंसी एकदम अच्छी है। तो इससे हम डाल देंगे अभी चावल। 1 बाउल चावल लिया मैंने, इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और
राइस एकदम बन कर तैयार हो चुकी है। देखिए कितना अच्छा कलर आया राइस में, बर्न गार्लिक राइस एकदम हमारी बनकर तैयार है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। आई होप ये मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब माई चैनल फन फ्रॉम फूड।